बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मुलाज़मीन को लेकर कई बार ऑर्डर्स आते रहते हैं और कई मुलाज़मीन इस गुमान में रहते हैं कि शायद जहां पर एक बार वो मुलाजमत करने लग गए, ये उनका फर्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन है, यहां से आगे वो नहीं जा सकते। लेकिन अदालत का एक फैसला जिसने लाखों लोगों की तकदीर बदल सकती है या उनकी जगह भी बदल सकती है, इसकी भी तस्दीक कर दी। और दूसरी बात ये कि जिस मामले में मुदाखलत करके कैट ने जिस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की, वो समझने की कोशिश करेगा। और वो मुलाजमीन जो सोचते हैं कि आई शुड बी इन होम डिस्ट्रिक्ट, मुझे अपॉइंटमेंट एक बार हो गई, वो अपॉइंटमेंट लेटर जब सरकारी मुलाजमत में मिलता है तो आफ्टर दैट आई विल सर्व द पीपल फ्रॉम ओनली वन प्लेस, विच इज़ इम्पॉसिबल। इसलिए क्योंकि सरकारी मुलाजिम को एक जगह तैनात रहने का कोई हक नहीं, या मैं नहीं, ऑफिशियली आज लीगल बैटल के दौरान कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए किया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसके मुताबिक एक काबिल तबादला ओहदा रखने वाला जो सरकारी मुलाजिम है, जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो काबिल एतमाद तो हैं ही, लेकिन काबिल तबादला ओहदा भी है, यानी रिशफलिंग का भी एक प्रोसेस उसके साथ साथ होता है सरकारी मुलाजिम के साथ। तो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने का वो जिम्मेदार है, विच मीन्स उसको शिफ्ट किया जा सकता है। कोई अगर ये मुलाजिम समझता है कि मैं होम डिस्ट्रिक्ट में लगूं और फिर बरसों तक यहाँ रहूं, मुझे कोई नोटिस ना करे, आई शुड बी अननोटिस्ड, इट इज़ टोटली डेड इम्पॉसिबल एज पर दिस आर्ग्यूमेंट और दिस डिसीजन ऑफ कैट। राजेंद्र सिंह डोगरा, जो कि मेंबर हैं जम्मू से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के, उन्होंने मुख्तार अहमद मीर, जो एक एप्लीकेंट है, सरकारी मुलाजिम है, उनने दरख्वास्त दायर की थी जिसमें सरकार का जो ऑर्डर था, ऑर्डर नंबर 280JKHE हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 13/5/2024 का था, जिसको चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि दरख्वास्त गुजार यानी जो दरख्वास्त दिंदा है, जो एप्लीकेंट है मुख्तार मीर, इसकी पोस्टिंग जिसकी मौजूदा जगह एक थी जहाँ पर ये पोस्टिंग ऑलरेडी इसकी थी, जहाँ ये तैनात था, वहाँ से इसको दूसरी जगह तैनात नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बानिहाल जोन सी से रामबन इसको जोन सी में ही शिफ्ट किया गया, लेकिन दूसरे कॉलेज में, तो इसने इस इंतजामे के फैसले को चैलेंज किया। तो दोनों फरीकों के दलाइल सुने गए और फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद कैट ने मुशाहिदा किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने, कि हुक्म की तामील होनी चाहिए, दरख्वास्त दहिंदा यानी जो एप्लीकेंट है उसकी केस पर जवाब दहिंदगान के महकमे ने गौर किया, और इसके बाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसकी तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया था, ऑर्डर नंबर जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन 280/13/5/2024 को जो ऑर्डर निकला था उसको सही करार दिया, और साथ ये भी कह दिया कि सरकारी मुलाजिम जिसको एक जगह तैनात रहने का कोई हक नहीं, एक कार्डर को अगर दूसरे कार्डर में जम करना हो, ये भी सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन इसके पास है, मजाज अथॉरिटी है, और दूसरे सरकारी मुलाजिम को शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये गैरकानूनी तौर पर हुक्म को चैलेंज करने का जो मामला था उसमें जो मुख्तार अहमद मीर था, जो चाह रहा था कि जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ एक कॉलेज में बनिहाल में, मैं रामबन ना जाऊँ, तो उसको एक झटका लगा। नतीजतन केस मजाज अथॉरिटी की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया, और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन जम्मू कश्मीर रियासत या यूनियन टेरिटरी में कहीं भी खिदमात अंजाम देने के पाबंद हैं, इस लाइन को टच करते हुए ये खबर मैं आपके सामने रख रहा था। ये सरकारी मुलाजमीन के लिए एक स्ट्रेट लाइन है, सिद्धि लकीर जिसको आप बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का मकसद कि इससे आगे ना पीछे, जहां पर आप सरकारी मुलाजिम बतौर तैनात होंगे वहां से आपको हटाने का तरीका भी साथ साथ होगा, और पॉलिसी डिसीजन जो होगा वो तमाम लोगों पर फॉल करेगा, उस कैटेगरी में आप लोग भी आएंगे जो मुख्तार के साथ हुआ। तो ये हजारों मुलाजमीन के लिए एक सबक है कि अगर आप एक जगह काम कर रहे हैं तो इस जिद पे मत रहिएगा कि हमें यहां से कोई हटा नहीं सकता। बिलाखिर फैसला इसी तरीके से आएगा।